अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? होपफुली बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज मैं आपके लिए एक स्पा पेडिक्योर लाई हूँ घर के अंदर, यानी कि ऐसा पेडिक्योर बताने वाली हूँ जो बहुत स्पेशल है और आपको एक स्पा वाली फीलिंग देगा घर में। तो इस पेडिक्योर में स्पेशल क्या है? इसमें स्पेशल ये है कि ये पेडिक्योर क्लिंजिंग भी करेगा आपके पैर की, इसके अलावा व्हाइटनिंग करेगा, रंग गोरा करेगा, कॉम्प्लेक्शन इंप्रूव करेगा। इसके अलावा आपके पैरों को बहुत सारे विटामिंस प्रोवाइड करेगा, मल्टी विटामिन पेडिक्योर है ये। इसके अलावा जो है आपके जो मसल्स पैरों के बाजू का थक जाते हैं तो उनको रिलैक्स करेगा, काम डाउन करेगा। यानी कि जैसे आप बहुत ज्यादा चलते फिरते हैं, बहुत देर पैर लटका के कुर्सी पे बैठे रहते हैं, आप ऐसी जॉब कर रहे हैं, ऐसा काम कर रहे हैं, तो आपके पैरों को जो थके हुए पैर होते हैं, दुखते हुए पैर होते हैं, उनको रिलैक्स करेगा। इसके अलावा ये जो है, ये सबसे जो इम्पोर्टेंट इसमें बात है वो ये कि ये ड्यूड्राइजिंग पेडिक्योर है। वो लोग जिनके पैरों में से बहुत ज्यादा स्मेल आती है, बदबू आती है, या बहुत ज्यादा उनको स्वेटिंग होती है, पसीना बहुत ज्यादा पैरों में आता है, तो उनके लिए ये जो है ये बेहतरीन एक पेडिक्योर है। अगर हफ्ते में दो दफा करेंगे तो उनका ये प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। तो ये जो है, ये इसी वजह से मैं कह रही हूं कि दिस इज अ स्पेशल पेडिक्योर। अब इसमें ऐसी जो चीज जो कि ये सारे काम करती है, मेन खास बात जो है वो इसमें लेमन ग्रास का इस्तेमाल है, एंड ऑफ कोर्स द सेकंड थिंग इज सौंफ, फेनल। अब लेमन ग्रास और फेनल दोनों ही में बहुत ज्यादा विटामिन्स पाए जाते हैं, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन B1, B2, B3, B5, B6, फोलेट, आयरन, जिंक, पोटेशियम, मैग्नीशियम, मैंगनीज और बहुत सारे और विटामिन्स होते हैं। इसीलिए यूं समझे कि जब आप ये वाला पेडिक्योर करेंगे तो आपके पैरों को मल्टी विटामिन भी प्रोवाइड होगा और आपके पैर और जो है ना वो यंग रहेंगे और ज्यादा खूबसूरत रहेंगे। इसके अलावा जो है इसमें जो खास बात है वो ये कि इसमें एस्ट्रेंजेंट और टोनर का की प्रॉपर्टी भी शामिल है, जो कि गर्मियों में या सर्दियों में भी इवन ये आपके पोर्स को साफ रखता है और मिनिमाइज करता है, जिसकी वजह से स्वेटिंग भी कम होती है। ठीक है, आपके पोर्स अगर यूं खुले होंगे तो ज्यादा ही स्वेटिंग जाएगी, पोर्स मिनिमाइज होंगे तो स्वेटिंग भी कम होती है। और जब इसके अलावा इसके अंदर एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल, एंटी माइक्रोबियल और एंटी इन्फ्लेमेटरी जो इसकी प्रॉपर्टी है लेमन ग्रास और सौंफ की, उसकी वजह से क्या होता है कि बैक्टीरियाज जो है वो आपके पैर में जब स्वेटिंग होती है तो उसके बाद जो पैरों में बैक्टीरियाज या फंगस जो है वो ग्रो नहीं करता, और जब फंगस या बैक्टीरियाज नहीं होंगे तो आपके पैरों में बैड स्मेल भी नहीं होगी, बदबू भी नहीं होगी। तो इस लिहाज से ये जो इसमें लेमन ग्रास और जो मैं सौंफ का इस्तेमाल कर रही हूँ, ये आपके पैरों के जो है ना वो बैक्टीरियाज को भी खत्म कर देगा। ठीक है, तो खास तौर पे उन लोगों के लिए ये बेहतरीन है कि जो जिनके पैरों में बदबू आती है या जिनके पैरों में बहुत ज्यादा स्वेटिंग होती है। लेकिन जिनके पैरों में ये प्रॉब्लम नहीं भी है ना, तो उनके पैरों को भी ये मल्टीविटामिन प्रोवाइड करके जो है आपका आपके पैरों को भी एक यंग जो है वो रखेगा। और इसके अलावा इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज है कि आपके मसल्स जो थके हुए मसल्स हैं उनको ये रिलैक्स करता है लेमन ग्रास। और ब्लड की सर्कुलेशन जो आपके पैरों में नहीं सही हो रही होती, जिसकी वजह से पैरों में दर्द हो रहा होता है, तो उस सर्कुलेशन को भी ये कंट्रोल करता है और इम्प्रूव करता है। तो ये प्रॉपर्टीज हैं जिनकी वजह से हम जो है ना, मैं आज आपको एक स्पेशल पेडिक्योर बता रही हूँ जिसमें ये सारी चीजें कवर होंगी। तो अब चल के अब देखते हैं कि वो कौन सा पेडिक्योर और कैसे करना है, तो चल के देखिए। ड्यूडराइजिंग पेडिक्योर बनाने के लिए सबसे पहले हमें दो बर्तनों में मैंने पानी लिया है। इस वाला जो बर्तन है इसमें मैंने पानी जो है वो डालना है, दो ग्लास लेना है पानी, इस तरह का नॉर्मल जो ग्लास है, ये दो ग्लास पानी, एक मैं पहले डाल चुकी हूँ और दूसरा ग्लास ऑफ वाटर ये है। तो दो ग्लास पानी जो है वो इसमें मैंने डाल देना है। और उसके बाद मैंने इसमें करना ये है कि ये देखिए, ये लेमन ग्रास है, ये लेमन ग्रास ड्रायर लेमन ग्रास है जो मैंने अपने घर के लॉन में से ही तोड़ी थी। तो इस तरह से तीन टेबलस्पून, एक ये दो मैं डाल चुकी हूँ, ये तीसरा टेबलस्पून मैं डाल रही हूँ। ठीक है, इस तरह से तीन टेबलस्पून लेमन ग्रास एंड वन टीस्पून, ये वन टीस्पून जो है इसमें सौंफ ये डाल देनी है। और अब ये देखें, ये सौंफ और लेमन ग्रास जो है, ये थ्री टेबलस्पून लेमन ग्रास एंड वन टीस्पून सौंफ जो है वो मैं इसी पानी के अंदर डाल दूंगी। यानी इसके अंदर तीन ग्लास पानी लिया है, दो मैं पहले डाल चुकी थी, तीसरा मैंने आपके सामने डाला। तो इस तरह से इसमें डाल के और अब आप इसको हिला लें ऐसे,
और इसको 5 मिनट के लिए हमने उबलने देना है। 5 मिनट्स के लिए हम इसको उबलने देंगे। अब ये दूसरी तरफ जो पानी आपको नजर आ रहा है, ये मैंने तकरीबन 2.5 से 3 लीटर पानी लिया है। 2.5 लीटर का मतलब है जो मैंने आपको ग्लास दिखाया था वो तकरीबन 10 ग्लास पानी जो है वो 2.5 लीटर के बराबर होते हैं। तो 10-12, इसमें कोई फिक्स क्वांटिटी नहीं है जिसमें आपका पाँव जो है वो बाद में डिप हो जाए। 5 मिनट्स के बाद अब ये वाला जो हमने चूल्हा, ये दोनों चूल्हे बंद कर दिए थे, ठीक है, ये हमने टब में डालना है जिसमें हमने पेडिक्योर करना है, और इसको भी हमने बंद करके 5 मिनट्स के बाद साइड पे रख देंगे और मज़ीद 5 मिनट के लिए इसको ठंडा होने देंगे और ताकि ये मज़ीद इसमें इन्फ्यूज़ हो सके। आफ्टर 5 मिनट्स अब ये ठंडा भी हो गया, तो अब जो है इसको मैं छान लूँगी इस तरीके से। छानने के बाद ये देखें इस तरह का कहवा सा हमारे पास बन गया, तो ये भी हम अपने पास रख लेंगे और अब इसको हम यूज़ करेंगे अपने पेडिक्योर के लिए। अब सबसे पहले वो जो पानी हमने नीम गर्म बड़ी देगची में किया था वो इसमें डाल दिया है, और इसको टच करके देख लें कि पानी ऐसा हो कि जिसमें पानी पाँव आप इजीली डिप कर सकें और पाँव जले नहीं। अब इसके अंदर हम ये जो कहवा सा बना के रखा था लेमन ग्रास और सौंफ वाला, वो भी इसके हम अंदर ऐड कर देंगे इसी के अंदर, ठीक है, और इसको थोड़ा सा हिला लेंगे। ये मेरे पास कुछ गुलाब लॉन में लगा हुआ था तो मैंने इसकी पत्तियां भी इसमें मैं डाल रही हूँ, इसी के अंदर मैं ये पत्तियां भी डाल दूंगी गुलाब की, ताकि एक तो इसमें हमारे पास एक जो जैसा हम स्पा में करवाते हैं पेडिक्योर वो वाला इफेक्ट भी आएगा, और सेकेंडली ये जब पत्तियां गर्म पानी के अंदर डिप होंगी तो ये अपना अरके गुलाब वाला असर जो है ना वो भी छोड़ेंगी और हमारे पैरों को और ज़्यादा सूदिंग और बहुत खूबसूरत सी एक स्मेल आएगी। सबसे पहले 2 टीस्पून बेकिंग सोडा डालूंगी इसके अंदर, उसके बाद 2 टीस्पून इसमें सॉल्ट डाल दूंगी, इसके बाद 2 टेबलस्पून विनेगर, 2 टीस्पून इसमें शैम्पू डाल दूंगी। अब 2 जो है कैप्सूल्स विटामिन ई के डाल सकते हैं, और अगर आपके पास ये नहीं है तो आप इसमें कोई सा भी कोकोनट ऑयल, एलमंड ऑयल या ऑलिव ऑयल, कोई भी जो ऑयल है, अगर ऑयल डाल रहे हैं तो ये आप 1 टीस्पून डाल दें, और अगर ये आप विटामिन ई ले रहे हैं तो आप इसके 2 कैप्सूल्स जो है ना वो डाल देंगे। ड्राई स्किन है तो आप इसमें ज़्यादा भी कर सकते हैं, या आप ये 3 कैप्सूल्स इसके और 1 जो है वो एलमंड ऑयल या कोई सा भी ऑयल जो है उसकी 1 स्पून आप डाल सकते हैं, और लेमन जूस जो है वो 2 लेमन का आपने लेमन जूस डाल देना है इसमें। अब अच्छे से इसको हिला के झाग सा देखें ये कितना सा झाग बन जाएगा, और साथ ही ये देखें गर्म पानी में हमने चूंकि ये डाली थी पत्तियाँ तो ये देखें आहिस्ता आहिस्ता मुरझाना शुरू हो गई हैं, और थोड़ी देर में ये कलर लेस हो जाएंगी क्योंकि इनका सारा जो इफेक्ट है वो इस पानी में आ जाएगा। अब ये देख लें कि ये गंदे पैर जो हैं अब हम डाल देंगे इस टब के अंदर। अब इसको हमने 10 मिनट्स के लिए इसी तरह डिप करके रखना है। उफ, इट इज सो रिफ्रेशिंग, मजा आ रहा है, इतना पाँव को एक बहुत ज्यादा जो है ना वो सूदिंग इफेक्ट लग रहा है, और पैर इतना मजे के लग रहे हैं, और सारी लगता है कि पैरों की थकावट दूर हो रही है इसके अंदर डिप करने की वजह से। ये आप इस तरह का लूफा ले लें, अगर आपके पास लूफा नहीं भी है तो कोई बात नहीं, आप कोई सा भी नेट का पीस ले लें या आप कोई भी कॉटन का जरा थोड़ा सा हार्ड कॉटन ले लें और उससे पैर को बहुत अच्छे से इस तरह से रब कर लें इसको हर तरफ। इसके अलावा अगर आपके पास इस तरह का कोई है ये वाली, देखें ये चीज बहुत फायदेमंद होती है, आम मिल जाती है शाहीन डी वॉटसन से आपको मिल जाएगा। तो सबसे पहले अब ये चूंकि हमारी एड़ियां नरम हो चुकी हैं तो अब ये देखें एड़ियों में जितना गंदगी सब हम साफ करने के लिए ये पमिस स्टोन जो है ये वाली साइड जो है हम इसको थोड़ा सा गीला करेंगे, और उसके बाद अच्छे से इसको इस तरह से इस पमिस स्टोन से पहले इससे रब कर लेंगे हम अच्छे से दोनों पाँव की एड़ियों को। इसको करने के बाद जब ये हो जाएगा तो फिर इसमें ये वाली एक साइड आपको नजर आ रही होगी, ठीक है, तो अब आपने इस साइड से ये देखें बिल्कुल आपकी एड़ियां साफ हो गई हैं, सारे डेड सेल्स रिमूव हो गए हैं। तो उसके अपने पैरों को ये एक मैट साथ रखे, रफ मैट, तो हम इस पर रखेंगे और इस तरह से ये वाला ब्रश बहुत सॉफ्ट होता है, इस तरह से आपने अच्छे से पूरे पैर की जितने डेड सेल्स हैं वो सारे रिमूव हो जाए। देख लें अभी कुछ भी हमने खास ऐसा नहीं किया, सिर्फ डिपिंग से ही पैरों में देखें कितना फर्क आ गया है। अब हम दोबारा से इसको 5 मिनट्स के लिए फिर से हम इसमें
डिप कर देंगे। 5 मिनट्स के बाद हम दोबारा से पैर बाहर निकाल लेंगे अपने, और इसको किसी भी कपड़े से, किसी भी टॉवल से पैर को अच्छा सा यूं करके साफ कर लें और मैट के ऊपर रख लें। स्क्रब बनाने के लिए सबसे पहले इसमें 1 टीस्पून शुगर और 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा और 1 लेमन इसमें निचोड़ लिया है, और मैंने पहले से इसको करके इसलिए रखे कि चीनी इसके अंदर मिक्स हो जाए। अब उसके बाद सबसे पहले हमने ये करना है कि ये जो लेमन मैंने इसमें निचोड़ा था ये फेंकना नहीं है, इसको अभी हम अपने पास रख लेंगे। और इसकी वजह से हम क्या करेंगे कि अपने ये जो हमारे नेल्स हैं इसके ऊपर ये इसको हम अच्छे से जो बचा हुआ इस पे, ताकि लेमन जो है वो इस पे लग जाए, उससे ये हुआ कि आपके जो नेल पॉलिश लगाने की वजह से या वैसे ही किसी भी वजह से इसके ऊपर अगर कोई पीलापन है या दाग धब्बे हैं या इसका जो व्हाइट कलर है वो नहीं है ना, तो वो बिल्कुल अपने ओरिजिनल कलर पे आ जाएगा। और इस तरह से आप नेल्स के ऊपर करेंगे, और सेकेंडली ये बाजू का यहाँ से जो ब्लैक सा हमें नजर आ रहा होता है तो ये भी ठीक हो जाएगा। तो सबसे पहले हम नेल्स के ऊपर इसको कर लेंगे, और इसके बाद हम ये करेंगे कि ब्रश कोई सा भी, एक जैसे ये पुराना ब्रश है इसी को हम इसमें डिप करके और नेल्स के ऊपर इस तरह से मार लेंगे, उससे ये कि ये बिल्कुल ही स्टेन जो है ना वो रिमूव हो जाएंगे। उसके बाद ये जो हमने इसमें बना के रखा हुआ था ये लेके और पूरे अपने पैर पे इस तरह से इसको मसाज करके तो हम स्क्रबिंग करेंगे, ताकि जितने डेड सेल्स हैं स्क्रबिंग से वो उतर जाएंगे, बाकी पैर के भी। और इसी को आप इसी तरह जो है वो पाँव की एड़ियों पे भी करेंगे, बाकी पैर पे भी कर लेंगे, पाँव की एड़ियों पे भी स्क्रबिंग कर लेंगे। स्क्रबिंग करने के बाद आपने अच्छा से इसको स्क्रबिंग कर लिया, अब दोबारा से फिर हम इसको 5 मिनट्स के लिए अच्छे से दोबारा डिप कर लेंगे पैर को। आफ्टर 5 मिनट्स आपने पैर जो है वो इस तरह ड्राई करके मैट पे रख लेने। अब आप इस तरह से इसका क्यूटिकल रिमूव कर लें, ये देखें यहाँ पर भी है, इस तरह से पीछे को पुश हो जाएगा, और ये देखें इस तरीके से जहाँ पर भी आपको ये क्यूटिकल है इसी तरह बाकी भी पैर में, ये देखें क्यूटिकल सारे, ये डेड सेल्स हैं नेल्स के साथ जो चिपके हुए होते हैं वो सब हमने रिमूव कर देने हैं इस तरह के। मास्क बनाने के लिए हमने 2 टीस्पून मैंने योगर्ट ले लिए, और इसमें मैं डालूंगी 1/2 लेमन, 1/2 लेमन निचोड़ लूंगी, ठीक है। और इसके बाद इसमें ये मेरे पास जौ का आटा है, लेकिन अगर आपके पास जौ का आटा नहीं है तो कोई मसला नहीं, आप इसमें बेसन भी डाल सकते हैं, आप बेसन डाल लें, जौ का आटा डाल लें, कोई भी चीज़ आप डाल सकते हैं इसमें। तो इसको अच्छे से मिक्स कर लें, क्योंकि इससे ज़रा सी थिकनेस आ जाती है। हमारे पास बन गया, अब ये हमारा फुट मास्क बन गया, अब ये हम लगाएंगे, और इसको हम लगाएंगे फॉर 5 to 10 मिनट्स। आप 10 मिनट्स रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, वरना 5 मिनट्स भी चलेगा। अपने पूरे फीट पे जो है ना अच्छे से इसको हम लगा लेंगे, इस तरीके से हमने इसको लगा लेना है पूरे फीट पे, नाखून पे भी बेशक आप लगा सकते हैं। मास्क उतारने के लिए आपने दोनों पैरों को अच्छा सा धो लेना है, ये देखें धोने से कितना साफ सुथरा सा हो गया है हमारा पैर। और इसके बाद आप इसको वापस निकाल लेंगे बाहर, और बाहर निकालने के बाद किसी भी ड्राई कपड़े से हम इस तरह इसको ड्राई कर लेंगे पैर को। अब मॉइस्चराइज करने का जो प्रोसेस है ये सबसे इंपॉर्टेंट है, आप कोई भी निविया ले सकते हैं, लोशन ले लें, क्रीम ले लें, कुछ भी नहीं है तो आप आम पेट्रोलियम जेल ही ले सकते हैं, तो वो लेके तो अच्छे से अब आपने इससे अपने पैर का मसाज कर लेना है। ये क्रीम अच्छे से लगा लेंगे आप, ये नीचे भी, और बहुत अच्छा सा उस तक इसको मसाज करेंगे जब तक कि अच्छे से इसके अंदर पाँव में एब्जॉर्ब ना हो जाए। इसी तरह लेके पाँव की एड़ियों में भी लगा लेंगे आप नीचे पे, इस तरह से आपने अच्छा सा इसको पूरे पैर में मल लेना है। और मलने के बाद आप ये देख सकते हैं कि जितने डेड सेल्स थे वो भी रिमूव हो चुके हैं, और एड़ी भी पाँव नीचे से देखें कितना साफ सुथरा हो चुका है। इस स्टेप पे अगर आपके नेल्स बड़े हैं तो आप इस तरह नेल कटर के साथ आप काट भी सकते हैं अपने नेल्स को, लेकिन मेरे इतने बड़े नहीं हैं, ऑलरेडी ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इसलिए मैं नहीं नेल कटर यूज़ कर रही। तो बस अब अच्छा सा ये देखें बिल्कुल ड्राई हो गया, एब्जॉर्ब हो गया, तो जब अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए तो अगर आप इसके बाद नेल पेंट लगाना चाहते हैं तो आप कोई सा भी अपनी पसंद का कलर जो है, मैं मेडोरा यू लगाऊंगी अभी, तो आप कोई अपनी मर्जी का कलर जो है वो अपने नेल पेंट लगा सकते हैं। ये अब आप देख सकते हैं कि मैंने नेल पेंट लगा लिया, और ये आपका जो फाइनल है ये लुक आपके सामने है।
कि पैर देखें साफ सुथरे हो जाएंगे हर तरफ से, आप देख सकते हैं कि साफ सुथरे हैं। तो ये मैंने आपको चप्पल पहन के भी दिखा दी है कि किस तरह से फाइनल जो है आपका पैर साफ सुथरा है जी। आप आफ्टर पेडिक्योर आपके पाँव किस कदर नीट क्लीन, पीछे से भी आप देख सकते हैं